आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, द एंगल सब्सटेंडेड बाय एट द आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सब्सटेंडेड एट द आई बाय द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, सो द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1। ओके, और रीजन दिया है ड्यूरिंग इमेज फॉर्मेशन थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास द ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज आर एट द सेम पोजिशन। दोनों ही हमारे क्या है, ये रॉन्ग है, दोनों ही रॉन्ग है, क्योंकि हमारे पास हम क्या यूज कर रहे हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम, मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास अगर सिंपली हम जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर ये मैग्नीफिकेशन 1 देगा तो हम इसको क्यों यूज करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास असर्शन क्या बोल रहा है, मैग्नीफिकेशन 1 है, और मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं ये क्या है, हमारा रॉन्ग है। तो मैग्नीफिकेशन हम जानते हैं बीटा डिवाइड बाई एल्फा होता है। बीटा क्या है, इमेज ने जो एंगल सब्सटेंड किया है, और एल्फा क्या है, ऑब्जेक्ट ने जो एंगल सब्सटेंड किया है। तो बीटा हमारे पास ज्यादा होता है किससे, एल्फा से, और मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। हाँ, जो सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसके लिए मैग्नीफिकेशन बहुत कम होता है, मतलब 1 से ज्यादा होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, मतलब 5, 6, 10 के आसपास मिलता है। ठीक है, तो यानी कि ये असर्शन गलत है और रीजन भी हमारा गलत है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन 4 क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट आंसर रहेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।